आज हम कल हमने अध्ययन किया था पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। पृथ्वी की जो उत्पत्ति संबंध के अंदर हमने कल एक तारा और दो तारा सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था। आज पृथ्वी की जो उत्पत्ति है इस संबंध के अंदर हम देखेंगे कुछ दार्शनिक और वैज्ञानिक लोग हैं, इनकी कुछ परिकल्पनाएं हैं, इन लोगों ने कुछ परिकल्पनाओं को प्रस्तुत किया। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कुछ जो परिकल्पनाएं प्रस्तुत करी, इनके अंदर हम देखें सबसे जो प्रमुख है इमानुएल कांट ने अपना जो सिद्धांत दिया था, ये इनका जो मत था बड़ा लोकप्रिय मत था, और 1796 के अंदर लाप्लास जो मौजे थे इन्होंने जो कांट की जो परिकल्पना थी इस कांट की परिकल्पना के अंदर कुछ संशोधन किया जो कि निहारिका के परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों को का जो निर्माण हुआ जो धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से हुआ। बाद में 1900 के अंदर चैम्बरलैन और जो मोल्टन महोदय ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य ब्रह्मणशील जो तारा था वो सूर्य के साथ नजदीक से उपजे गुजरा और उसका जो आकार था सिगार के आकार का था और वो जो पदार्थ था सूर्य के साथ बाहर निकला और सूर्य के चारों ओर घूमने लगा और यही संगणित उपजे ग्रहों का निर्माण हुआ। सर जेम्स जीस महोदय और सर जेम्स जीस महोदय के बाद जो मत था इसका भी समर्थन किया था। 1950 में हम देखें ऑटो शिमट और वाई जास्टर ने निहारिका जो परिकल्पना थी इस निहारिक परिकल्पना के अंदर थोड़ा संशोधन किया और संशोधन करने के बाद उनके विचार से सूर्य एक और निहारिका से घिरा हुआ भाग था जो हाइड्रोजन हीलियम और धूम के कणों से बना था। इन कणों के घर्षण और टकराने के कारण एक चपटी तस्करी की आकृति के से बादलों का निर्माण हुआ और ये अभिवृद्धि प्रक्रम के द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ। तो आज हमने देखा पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अनेक अनेक जो दार्शनिक लोग थे, अनेक अनेक जो वैज्ञानिक लोग थे, इन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। ठीक है, तो निहार ग्रह कार्य है, निहारिका किसे कहते हैं, निहारिका सिद्धांत क्या है, ठीक है, ऑटो शिमट की परिकल्पना क्या है, ये होमवर्क है।